पर आ रही है खुशखबरी। कोविड के विनाश का अस्त्र लेकर आ रहा है 2021। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान। जनवरी में किसी भी दिन से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। अब जो दावे डॉक्टर और दवा कंपनियां कर रही थी, अब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उसे आधिकारिक रूप दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत कोरोना टीकाकरण शुरू करने की स्थिति में आ जाएगा। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने में किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। इसी वजह से सरकार इसे लेकर कोई हड़बड़ी नहीं कर रही। शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन के मसले पे जो सेफ्टी का इशू है ना, और जो इम्यूनोजेनेसिटी का इशू है, इफेक्टिवनेस का इशू है, यानी वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए, इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। यूं तो देश में 9 कंपनियां कोविड वैक्सीन तैयार करने की रेस में हैं, लेकिन 3 कंपनियां पहले ही आवेदन कर चुकी हैं कि उन्हें कोविड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी जाए। ये कंपनियां हैं फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। सब प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छोटी से छोटी बारीक बात को भी पूरी गहराई के साथ हम ध्यान दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 4-5 महीने से हमारे एक्सपर्ट्स और सारे लोग काम कर रहे हैं, सारे देश के साथ हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, सारे देश को गाइडेंस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अब जरा उन वैक्सीन के बारे में जानते हैं जो रेस में हैं। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर कोविशील्ड तैयार की है। कंपनी टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति मांग रही है। आपात इस्तेमाल के लिए तैयार दूसरा देसी टीका कोवैक्सीन है। इसे हैदराबाद की भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर तैयार कर रहे हैं। ये फेज 3 ट्रायल में है। स्वदेशी होने के कारण ये सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन हो सकती है। रेस में आगे रहने वाली तीसरी देसी वैक्सीन जैको-डी है। अहमदाबाद से जायडस कैडिला ने इसे तैयार किया है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में इन वैक्सीन के ट्रायल की जानकारी दी थी। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे। जानकारों की माने भारत में बने ये वैक्सीन विदेशी टीके से ज्यादा मारक हो सकती हैं। एक तरफ वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू करने पर माथापच्ची हो रही है, तो दूसरी तरफ कोविड टीकाकरण महाभियान की भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि जैसे ही टीकाकरण का शंखनाद हो तैयारी मुकम्मल रहे, क्योंकि एक खुशखबरी कभी भी आ सकती है। आज तक ब्यूरो।